हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीविला क्लासेस। आई एम निविता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स में से एक, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं या इंटरनेशनल लॉ का एग्जाम देने जाएंगे तो ये जरूर इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसलिए मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि आपकी सारी प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। आपको मैं बता दूं कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो 5 ऑर्गन हैं उसके जितने भी जो हेड क्वार्टर है, सारे हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये एक पहला ऑर्गन है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी पहली जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है या यूनाइटेड नेशन का अंग है जिसका हेड क्वार्टर जो नीदरलैंड, यहाँ पे द हेग नीदरलैंड में है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑथोराइज किसने किया है। ऑथोराइज बाय यूएन चार्टर आईसीजे इंस्टीट्यूट। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस्टेब्लिश। आपको तो पता होगा कि जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तभी इसके 6 ऑर्गन्स बनाए गए थे, जैसे कि आपके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, न्यायधारिता परिषद है, वगैरह वगैरह, जितने भी आपके 6 ऑर्गन्स है उसको भी बना दिया गया था। तो उसी समय इसकी इस्टेब्लिश भी, इंटरनेशनल कोर्ट की इस्टेब्लिश भी 1945 को हो गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर्स ऑफ जज। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? जजों की संख्या जो है 15 होती है। और ये कितने ईयर के लिए रहते हैं? ये 9 ईयर के लिए यहाँ पे ये है, 9 ईयर के लिए। ये एक बार जब जज बन जाया जाता है तो वो 9 ईयर के लिए वहाँ के वो जज बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अभी जो अभी करेंट की बात की जाए, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है अब्दुलकवी यूसुफ है। इसे याद कर लेंगे, इसे देख लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे पूछा जाता है। मैंने इसको गूगल से देख के इसके बाद में आपको लिख के रखी हूँ कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी आपके लिए सहायता प्रदान करेगी, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे, अब्दुलकवी यूसुफ। एंड वाइस प्रेसिडेंट है जू हनकीन। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि आपको तो पता हो गया कि द हेग नीदरलैंड में, और इसे पीस पैलेस में बनाया गया है। इसे भी लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले जो भारत के भी यहाँ से न्यायाधीश अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले 14 फरवरी 1985 को डॉक्टर नागेंद्र सिंह को बनाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट का अध्यक्ष, और इसके बाद में वो न्यायाधीश के रूप में भी जाने गए थे, न्यायाधीश के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया गया था या पदोन्नति दी गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी की बात करें, अभी भी भारत के एक न्यायाधीश वहाँ के न्यायाधीश बन चुके हैं, बने हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी करेंट में भी हैं वो, दलवीर भंडारी। इसे भी नोट आउट कर लेंगे। ओके, अब इसके हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन ये है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सम टाइम कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, इज द प्रिंसिपल ज्यूडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा अंग है जिसे हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का कोर्ट है। जैसे कि हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट हो जाती है, उसी प्रकार देश में एक हायर कोर्ट है यूनाइटेड नेशन का, इंटरनेशनल कोर्ट, जो जितने भी स्टेट हैं, टिपिकल मामले हो गए या कोई भी जैसे क्रिमिनल वॉर हो गया, या हम कह सकते हैं कि कोई भी सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, वॉर जैसी स्थिति हो जाती है किसी स्टेट की, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो कहाँ सुलझाया जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट में सुलझाया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का एक न्यायालय है। ओके, न्यायालय की स्थापना के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है? आप ऐसे ही समझ रहे होंगे कि जो भी स्टेट के मामले हो जाते हैं या देश के मामले हो जाते हैं उसको सुलझाने का कार्य करता है, लेकिन अगर हम इसे बुक के लैंग्वेज में कहें तो, यहाँ पे नोट आउट की हूँ, इसे आप देख लेंगे, कोर्ट के पास जो भी केस लाए जाते हैं सही में इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों के साथ निपटारा किया जाता है। यहाँ पे यही बात बताया गया है कि कोर्ट के पास जो भी लाए जाते हैं, जो भी केस लाए जाते हैं, उसे क्या किया जाता है? इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट है, इंटरनेशनल कोर्ट के एक स्टेट्यूट की तरह वर्क करता है, और यूनाइटेड नेशन द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं, कोर्ट एडवाइस देने का कार्य करता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जैसे स्टेट के भी मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी इसे कार्य दिए जाते हैं उसको भी सॉल्व करने की यह
कोशिश करता है, कार्य करता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा लागू की जाने वाली विधि। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ नजर आ रहा होगा। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का वीडियो मैंने बनाई हूँ, तो उसमें आप देखिएगा तो आपको इसे दिखेगा आपको कि सारे इतने जितने भी जो 5 है 4 है वो है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कस्टम, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रथाएं हो गई, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य विधि के नियम हो गए, जुडिशियल डिसीजन, जो न्यायिक निर्णय हो गए, ये सब सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ये किसके द्वारा लागू की जाने वाली विधि है? इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा लागू की जाने वाली लॉ हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये बहुत सारे वीडियोस में बताए नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको इसे क्लियर करा देती हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो लॉ का एग्जाम देंगे उसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में भी बताएं। ओके, तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के जो दो इम्पॉर्टेंट जो टाइप हैं उसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे आखिर जो न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन कैसे प्रदान की जाती है, न्यायालय की जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को कैसे दिया जाता है। अब रोजने के अनुसार, रोजने जो एक विधि शास्त्री थे, उन्होंने कहा है कि ज्यूरिसडिक्शन वह पावर है जिससे किसी भी केस में निर्णय दिया जाता है। ओके, जैसे ज्यूरिसडिक्शन एक ऐसी पावर या ऐसी शक्तियां होती है जिससे किसी भी केस में निर्णय दिया जाता है, और कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन चार बातों से दिया जाता है। अब कौन कौन सी चार बातें हैं, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है उसे नोट आउट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दो से अधिक राज्यों स्टेट के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुई है तो ऐसे मामले को भी कोर्ट में दिया जा सकता है, यहाँ आप नोट आउट कर लेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है मल्टीपल ट्रीटी, यहाँ पर बहुपक्षीय जो संधियाँ होती हैं उसके अंतर्गत ट्रीटी के प्रावधानों के निर्वचन के लिए भी कोर्ट को कोई भी मामला जो है, कोई भी केस जो है सौंपा जा सकता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट ये आता है कि द्विपक्षीय संधि द्वारा किसी विशेष मामले को जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट को भी दी जा सकती है। अब फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि कोर्ट में कार्यवाही प्रारंभ हो जाने के उपरांत कोर्ट को अनौपचारिक रूप से जो हम कह सकते हैं अनौपचारिक रूप से ज्यूरिसडिक्शन प्रदान की जा सकती है। जैसे कि कोई भी जो केस है, कोई भी केस के गुण दोष के मामले में, और इसका एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है कार्कू चैनल वाद, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे और देख लेंगे गूगल पे कि आखिर ये कार्कू चैनल वाद क्या था, ये कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कैसे बताता है। अब यहाँ पर पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंटेंसियस ज्यूरिसडिक्शन जिसे हम कह सकते हैं विवादास्पद अधिकारिता, इसे हम कंट्रोवर्शियल ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं कि ऐसी विवादा, इसको मैं इसको डिफाइन करके बताऊंगी इसे क्या डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन यही है कि जैसे कि इसे कहाँ परिभाषित किया गया है, इसे कहाँ डिफाइन किया गया है, स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट के आर्टिकल 36 में इसे डिफाइन किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट के मौलिक सिद्धांतों में से यह एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें यही कहा गया है कि इसमें यही कहा गया है कि कोई भी स्टेट की सहमति के बिना ना तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं और ना ही कोई शांति कायम करने की हम चेष्टा कर सकते हैं। अब क्या है कि कोर्ट को अगर हम कोई भी ज्यूरिसडिक्शन दे देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो बिना स्टेट की सहमति के इंटरफेयर करेगा कोई भी राष्ट्र को, या मध्यस्थता करने के लिए उसको फोर्स करेगा या शांति कायम करने के लिए फोर्स करेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। विदाउट स्टेट की सहमति के वह ऐसा नहीं कर सकता है। और सिर्फ तीन टाइप्स में इसे विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट है वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हम स्वेच्छापूर्ण कहते हैं, एडहॉक ज्यूरिसडिक्शन तदर्थ, एंड कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन मीन्स होता है अनिवार्य जो क्षेत्राधिकार हम कह सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैम इंग्लिश में लिखती हैं तो फिर हिंदी में क्यों लिखती हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश के भी होते हैं और हिंदी के भी होते हैं। ऐसा इसलिए किया करती हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट लोग को भी प्रॉब्लम ना हो एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट लोग को भी प्रॉब्लम है, दोनों कंफर्टेबली समझ सके। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट आता है, एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन, इसको हम कहते हैं ऐच्छिक अधिकारिता। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि महासभा और सुरक्षा परिषद,
जो हमारी जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल है इंटरनेशनल कोर्ट की किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाहकारी जो मत है या सलाहकारी प्रश्न है उसको देने के लिए प्रार्थना कर सकती है। किसको कर सकती है? एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन को। अब यहाँ पर बात आती है कि इसे कहाँ डिफाइन किया गया है, स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट के आर्टिकल 65 में इसे डिफाइन किया गया है। और एडवाइसरी जो मत है या एडवाइसरी जो एडवाइस है उसे देने का यह पर्पस नहीं है कि विवादों का जैसे कोई भी विवादों का निपटारा किया जा सके। पर्पस यही है कि अनुरोध करने वाले यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स को विधिक सलाह देना होता है। ओके, यहाँ आपने समझा कि जितने भी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट हैं उसके कितने क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या उनके टाइप्स हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है, एक एक चीज मैंने डिफाइन करके बता दी। आप इसे नोट आउट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।